Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and I am starting a new session on this channel which is called as podcast. तो हम इस podcast में discuss करेंगे कि जो जो अपने life में काफी ज्यादा successful हुए हैं, जिन्होंने अपने life में एक junior level से लेके एक अच्छे level की journey तय की है, हम उसको पूरा सा discussion यहाँ पे करने वाले हैं. And exactly हम लोग जो भी person यहाँ पे हम बुलाएंगे, उनके success के पीछे क्या क्या चीजें है, वो सारी चीजें हम इस पॉडकास्ट में डिस्कस करने वाले हैं. तो हमारे साथ अभी है प्रीतम सूरती, जो एक काफी अच्छे लेवल पे अभी जॉब कर रहे हैं. उन्होंने एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम भी क्रैक किया है एंड वो अभी फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं. एंड उन्होंने अपने लाइफ में काफी ज्यादा स्ट्रगल किया है, बहुत ज्यादा प्रिपरेशन के बाद, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद उन्होंने इस मुकाम पे मुकाम हासिल किया है. तो अभी हम उनसे उनकी जर्नी के बारे में डिस्कस करेंगे, उन्होंने ऐसी क्या क्या चीजें फॉलो की है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. एंड आपके लिए ये गाइडेंस भी होगा, आपके लिए एक मोटिवेशन भी होगा, और आप सभी के लोगों के लिए ये एक ओवरऑल मोटिवेशनल टॉक होगा. बिकॉज भी वो सारी चीजें अगर फॉलो करेंगे तो आप भी इसी तरीके के अपने लाइफ में जो भी आपके मेजर गोल्स होंगे वो आप अचीव कर पाएंगे. बिकॉज ऐसे कहा जाता है कि जब तक आपके लाइफ में कोई गोल्स ना हो तब तक आप कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे. एंड ये सारी चीजें हमारे बिलीफ के ऊपर डिपेंड होती है. तो हमें हमारे बिलीफ को कैसे स्ट्रांग करना है, प्रीतम सर ने किस तरीके से अपने लाइफ में एक स्पेसिफिक छोटे छोटे गोल्स रखे, उसको कैसे अचीव किया, उन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारी एग्जाम्स भी क्रैक की है, उसके बारे में भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. तो सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने अपने लाइफ में जितनी भी अभी तक एग्जाम क्रैक की है, नेट सेट की एग्जाम हो या अभी आप फिलहाल पीएचडी भी कर रहे हैं, तो आपने किस तरीके से एक गोल रखा था, किस तरीके से अपने अपने लाइफ में छोटे छोटे गोल्स को आप अचीव करते गए, तो ये हमारे ऑडियंस को बताइए ताकि वो भी अपने लाइफ में कुछ अच्छी तरीके की चीजें अचीव कर पाए. ओवर टू यू सर. थैंक यू सर फॉर गिविंग मी सच एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ अ पीपल एंड यू. सो सबसे पहले अगर क्वालिफिकेशन की बात करूं तो माय क्वालिफिकेशन इज एमकॉम बीएड. आई हैव क्वालिफाइड सेट ट्वाइस नेट एंड एट प्रेजेंट आई एम वर्किंग एज अ पीजीटी इन डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन. वो एसएसबी एग्जाम देके मैंने क्रैक किया था एक स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का, और उसके तहत ये एग्जाम में एग्जाम हुई थी. बहुत बढ़िया सर, आपने काफी ज्यादा क्वालिफिकेशंस अपने लाइफ में अचीव की है. तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो नेट सेट की एग्जाम होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस एग्जाम को देते हैं. मतलब ये एग्जाम, मैं मेरे ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि ये जो नेट एंड सेट की एग्जाम है, ये एग्जाम होने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हो. एंड आप में से काफी सारे लोग आगे जाके टीचिंग फील्ड में आना चाहेंगे. तो ये जो नेट सेट की एग्जाम होती है सर, उसमें आपने ऐसी क्या स्ट्रेटेजी अपनाई है कि आपकी, लोगों की नेट सेट की एग्जाम एक बार क्लियर नहीं होती, आपकी दो दो बार क्लियर हुई है सेट की एग्जाम, एंड नेट की एग्जाम भी आपने क्लियर की है. तो ऐसी कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी या ऐसे कुछ स्पेसिफिक टिप्स जो है वो आप हमारे ऑडियंस को देना चाहेंगे, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं नेट सेट की, तो ऐसे क्या आपने फॉलो किया था उसमें? मैंने पर्टिकुलरली सर ऐसा कोई स्टडी नहीं किया था, कोई रेफरेंस बुक ऐसा नहीं देखा था, बट When I was in my SYBCOM, तभी मैं क्लियर था मुझे टीचिंग फील्ड में जाना है. तो तब से ही मैं स्टडीज में थोड़ा फोकस करता था, और फ्रॉम माई 11th अप टू माई MCOM आई वॉज स्टडी पे मैं प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन रखता था, और मैंने इसके जगह पे कोई एक्स्ट्रा बुक्स कोई रिफर नहीं किया था, यही बुक से, और साथ में मैं टीचिंग भी करता था. आफ्टर माई BCOM आई स्टार्टेड टीचिंग इन जूनियर कॉलेज, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग माई MCOM आई स्टार्टेड टीचिंग इन सीनियर कॉलेज. तो वही मुझे मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वही मुझे मेरे एग्जाम में काम आई है. अच्छा, मतलब आपने ज्यादा कुछ पढ़ाई एक्स्ट्रा नहीं की है, आपने अपने टीचिंग फील्ड से रिलेटेड ही बहुत सारी चीजें जो है वो फॉलो करके आपने ये एग्जाम जो है वो क्रैक की है, राइट? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो लोगों को इस फील्ड को, ये फील्ड में ये एग्जाम को क्रैक करना है, उनको उन्हीं सारी चीजों को पढ़ाना पड़ेगा, तो वो इस एग्जाम को इजीली क्लियर कर पाएगा. ऐसा आपका कहना है? प्लस पॉइंट रहेगा, वो एक प्लस पॉइंट रहेगा, और साथ में प्रॉपर गाइडेंस भी मिलना चाहिए उन्हें, जैसे मुझे मिला था. इसलिए मैं मेरी बोले अगर करियर के सक्सेस में बोलूंगा सर, तो कुछ लोगों का काफी उसमें मैं बोलूंगा योगदान है. तो प्रॉपर गाइडेंस मुझे टाइम पे मिला, प्रॉपर फ्रेंडशिप टाइम पे मिली थी, तो इसलिए वो प्रॉपर मैं डायरेक्शन में जा पाया सर. लेकिन आप एजुकेशन से रिलेटेड ही मतलब फील्ड में ज्यादा
आगे बढ़े हैं कि आप किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी आपने कुछ अचीव किया है, आपको किसी स्पोर्ट्स में भी कुछ इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स में भी आप कुछ ने कुछ अचीव किया है, कि आप सिर्फ एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाइज ही आपने अचीव किया है? मुझे लगता है अगर एक स्टूडेंट्स के अंदर एक ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए, स्टडीज तो एक पार्ट ही है, वो तो मस्ट है। अगर कुछ इफ यू वांट टू अचीव इन लाइफ और स्टडी, अगर आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास स्ट्रक्चर नहीं है आपके पास, तो एक अगर सक्सेसफुल लाइफ तो स्टडी के अलावा बट साथ में स्पोर्ट्स भी, एक पर्सन के स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट रहना चाहिए। करिकुलर ही शुड बी गुड इन ऑल द एस्पेक्ट्स, तो लाइफ में वो इजिली सक्सेस हो पाएगा। तो स्पोर्ट्स में मैंने वॉलीबॉल में अंडर 17 और अंडर 14 में स्टेट लेवल खेला है वॉलीबॉल में। वेरी नाइस, दैट मींस यू आर एन ऑलराउंडर, यू आर आल्सो इन गुड इन स्पोर्ट्स आल्सो। तो अब हम चलते हैं, आपके जो ये क्वालिफिकेशन क्लियर हुआ उसके बाद जो आपको अभी फिलहाल जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो वैकेंसी आया, जो आपने एग्जाम दिया, जो आपने एग्जाम क्रैक किया, जब आपको ये जॉब लगा, ये जर्नी कैसे रही? मतलब ये जर्नी एकदम स्मूथ रही क्या? इसमें भी आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी? तो क्या बहुत सारे लोगों का एक सपना होता है कि मतलब कुछ अच्छा क्वालिफिकेशन करके गवर्नमेंट में जॉब करे, तो बेसिकली वो एक जर्नी कैसी थी और वो उसके लिए आपने कोई स्पेसिफिक ऐसे गोल्स रखे थे कि इतने टाइम में मुझे ये अचीव करना है, ऐसे कुछ चीजें थी? आफ्टर एमकॉम के बाद मैंने एक नेट एग्जाम दिया था, तभी नेट एग्जाम में मैं एक मार्क से मैं रह गया था क्वालिफाई करने के लिए। फिर बाद में सेकेंड टाइम दिया तो आई वॉज नॉट एबल टू अचीव गुड मार्क्स, तो मुझे लगा सीनियर कॉलेज में माई स्कोप ऑफ सीनियर कॉलेज, मतलब मेरा गोल था सीनियर कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, बट एक सेकेंड ऑप्शन के रूप में मैंने फिर तुरंत आफ्टर कंप्लीटिंग माई एमकॉम मैंने बीएड कर लिया था गुरु सेकेंड ऑप्शन के। अगर नेट सेट नहीं हुआ तो मुझे रहना था टीचिंग ही फील्ड में, तो सेकेंड ऑप्शन के लिए मैंने बीएड कर लिया ताकि मैं जूनियर कॉलेज में एटलीस्ट सिखा पाऊँ, आई विल बी एलिजिबल फॉर जूनियर कॉलेज। सो आफ्टर जो एग्जाम दिया था 2018 में मैंने एग्जाम दिया था, तभी पवित्र पोर्टल टेट एग्जाम जो महाराष्ट्र के अंदर पवित्र पोर्टल के अंदर एग्जाम लिया था, वो मैंने एक एग्जाम दिया था और साथ में एसएसबी का फॉर्म भरा था और आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग यहाँ पे होगा मेरा, तो दोनों एग्जाम दिया था और दोनों एग्जाम में मुझे अच्छे मार्क्स आए थे। तो अंडर दिस मेरा सिलेक्शन रेज शिक्षण संस्था महाराष्ट्र में भी हुआ था विदाउट इंटरव्यू में, 2018 वाले एग्जाम थे उसमें, और साथ में मेरा एसएसबी में सिलेक्शन दादरा नगर हवेली में भी हुआ था डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के अंदर पीजीटी के पोस्ट ले, मतलब जूनियर कॉलेज। तो दोनों में ऑप्शन अगर मैंने देखा तो सबसे घर से नजदीक है सिलवासा, इसलिए आई हैव मैंने प्रायोरिटी दिया सिलवास को, तो मैंने वहां पर ज्वाइन नहीं किया रेज शिक्षण संस्था में सातारा में, और मैंने ज्वाइन किया सिलवासा में। तो इसके लिए पर्टिकुलर स्टडी मैंने कुछ किया नहीं, वही जो ही जो मैंने सिखाया हुआ वही मुझे हेल्प किया, और मैं आई वॉज नॉट थिंकिंग करके मेरा यहाँ पर कुछ होगा, तो जस्ट मैंने फॉर्म भरा था और सिर्फ जाके एग्जाम दिया था मैंने, बट मेरा थोड़ा रीजनिंग अच्छा है और मैथ्स पहले से थोड़ा अच्छा था, और दूसरा बिजनेस कम्युनिकेशन में कॉलेज में सिखाता ही था, इसलिए मेरा कम्युनिकेशन वहां से वो क्लियर हो गया था, और एसपी के अंदर में जो भी फैक्टर थे तो बिजनेस लॉ सिखाता था तो उसके काफी क्वेश्चंस मुझे आ गए थे, तो इस टाइप से ये सब मुझे हेल्प किया जो मैंने पढ़ा है वही सिलेबस जो मुझे हेल्प किया एग्जाम में। दैट मींस मतलब काफी सारी चीजों की वजह से ये एग्जाम आप क्लियर करते चले गए एंड अपने लाइफ में काफी हाइट्स पे बढ़ते चले गए। तो अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी का जो ट्रेंड चल रहा है, मतलब आफ्टर कोविड जो है, बच्चों को पढ़ाई में बहुत कम इंटरेस्ट आ चुका है एंड ऐसे हो रहा है कि यूजुअली आजकल जो स्टूडेंट्स है उनका सिर्फ एक पर्पस या एक गोल होता है कि मुझे पासिंग मार्क्स कैसे मिल पाए, या मुझे सिर्फ पासिंग मार्क्स के लिए अगर कोई बंदा बता दे कि ये चीजें अगर हम पढ़ेंगे तो पासिंग मार्क्स आ सकते हैं, तो इनको आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब ये लोगों ने क्या करना चाहिए एक्चुअली कि उनका इंटरेस्ट बना रहे, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आपके तरफ से क्या गाइडेंस हो सकता है? सबसे पहले अगर आपका सिर्फ गोल है ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करना, ओनली आपका यही गोल है, तो यू विल नॉट बी एबल टू अचीव अ गुड जॉब। अगर आप बोल रहे हो करके अगर मुझे अच्छा आपका स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ाना है पीक, मतलब अगर आप लोअर मिडिल क्लास से हो तो डायरेक्ट आपको अपर मिडिल क्लास में अगर जाना है, और अगर आप सोच रहे हो करके जस्ट ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करके मुझे अच्छा जॉब मिल जाएगा, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो आपको
आपके 12th, मतलब अगर 12th हो जाता है तो थोड़ा मैच्योरिटी आ जाती है हमें, एटलीस्ट बाहर हम जब भी कॉलेज में जाते हैं तो हमें मार्केट, जो जॉब मार्केट है उसके बारे में पता चलता है, कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, कौन से फील्ड में कितना पैकेज दे रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको आपका गोल पहले ही अचीव करना पड़ेगा। यू शुड नॉट बी टू लेट ड्यूरिंग योर कॉलेज डेज। आपको ओके घूमना फिरना नहीं, आपको क्या करना है, आपके आपको लाइफ में क्या बनना है पहले वो डिसाइड करना है, और वो बनने के लिए आपके आपको कौन सा क्वालिफिकेशन आपको अचीव करना है। अगर कोई सोचता है करके मुझे बैंक में जॉब चाहिए, तो बैंक में अगर जॉब तो नेशनलाइज बैंक में, अगर वही अगर प्रिफर दो दोस बैंक यू गुड पैकेज एज कम्पेयर टू द प्राइवेट, तो आपको IBPS की तैयारी तभी से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। अगर किसी को टीचिंग फील्ड में जाना है तो उसको इलोक्यूशन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, NSS जैसे NSS में पार्टिसिपेट करने का, ताकि उसकी कम्युनिकेशन स्किल वो डेवलप्ड हो, स्टेज फियर। और अगर मैं बोलूंगा मुझे टीचिंग फील्ड में आने, आज मैं व्हेन आई हैव डिसाइडेड, जब भी मैं लीडरशिप कैंप के लिए चुना गया था अपने कॉलेज में, तो आई वॉज नॉट अ गुड कम्युनिकेटर, या फिर टीचिंग फील्ड में मैंने आने के लिए तभी कोई डायरेक्शन मुझे कुछ था नहीं, तो NSS में आने की वजह से थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन स्किल मेरा डेवलप हुआ, और तब से व्हेन आई हैव डिसाइडेड दैट आई वांट टू गो इन टीचिंग फील्ड। इसलिए आपको कॉलेज से ही डिसाइड कर लेना है व्हाट डू यू वांट टू बिकम, और तभी से आपको आपके जो स्किल्स है उसको शार्पनिंग करना पड़ेगा। ओके दैट मींस कहीं ना कहीं आप भी ये मानते हैं कि गोल सेटिंग लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ऐसे होता है यूजुअली कि 99% स्टूडेंट्स के कुछ गोल होते ही नहीं है। जैसे फ्लो चल रहा है वो लोग सोचते हैं कि ग्रेजुएशन हो जाएगा फिर सोचूंगा क्या करना है। तो यूजुअली यही देखा गया है कि 99% स्टूडेंट्स डोंट हैव एनी काइंड ऑफ गोल्स, तो मतलब उनको सबसे पहले गोल्स पे काम करना चाहिए, ऐसा आप भी कह रहे हैं। एम आई राइट? यस सर, क्योंकि अगर एक मैं एग्जांपल देता हूँ स्टूडेंट्स को, अगर आपको एक जगह जाना है रोड पे, तो अगर आपने बाइक लिया और आपको पता नहीं कौन कहाँ पर आपको आपका गोल कहाँ पर है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू गो टू वन स्कूल कॉलेज में जाना है, तो अगर आपको पता नहीं मुझे कहाँ पे जाना है, तो बाइक लिया तो आप कोई भी गली में कहीं भी नुक्कड़ में आप चले जाओगे और उधर टाइम पास करोगे, तो आप अपने टारगेट को टाइम पे अचीव नहीं कर पाओगे। बट अगर आपको पता है मुझे ये टाइम के अंदर यहाँ पे जाना है, तो आप स्ट्रेट यहाँ वहां नहीं देखोगे, कहीं रुकोगे नहीं, डायरेक्टली आप वो आपके टारगेट पे जाओगे, तो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और यू विल बी एबल टू सक्सेस। इसलिए आपको टारगेट आपका अचीव करना है तो पहले बहुत डिसाइड बहुत करना पड़ेगा। ओके दैट मीन्स सब कुछ क्लैरिटी के साथ हमारे माइंड में होना चाहिए कि हमको क्या अचीव करना है क्या नहीं करना है, उस बेस पे हमको काम करते रहना है। अब हम आपके सक्सेस के बारे में जानना चाहते हैं कि ओवरऑल आपकी ये सक्सेस स्टोरी जो है उसके बारे में थोड़ा सा ऑडियंस को बताइए कि मतलब कहाँ से शुरू हुआ और आज आप कहाँ तक पहुंचे। वो तो एक एक जर्नी जो आपकी रही है वो आप हमको बताइए, हमारे ऑडियंस को काफी अच्छा लगेगा और उससे काफी लोग मोटिवेट हो पाएंगे, बिकॉज रियल मोटिवेशन कम्स फ्रॉम इनर साइड आई बिलीव। कि आपको कोई भी बंदा खुद मोटिवेट नहीं कर सकता है जब तक आप खुद पर्सनली मोटिवेट हो ना पाओ। तो आपके जर्नी से ऐसे बहुत सारे लोग रहेंगे जो मोटिवेट हो सकेंगे, तो मैं आपके सक्सेस की जर्नी के बारे में जानना चाहता हूँ। तो अगर स्टडीज के बारे में बात करूं तो आई वॉज नॉट अ गुड स्टूडेंट। अगर मैं अपने स्कूलिंग के टाइम पे अप टू माई 7th स्टैंडर्ड किस तक अगर मैं बात करूँ, तो आया और क्लास में अगर हम बोलते हैं ना प्रमोशन होने के वांदे स्टूडेंट, मतलब एकदम क्लास में एकदम लास्ट और जेम तेम पास वाला, गुजराती में बोलते हैं जेम तेम पास था वाला स्टूडेंट, तो आई वॉज दैट टाइप ऑफ स्टूडेंट। और 5th स्टैंडर्ड में मैं रिपीटर भी रह चुका हूँ, क्लास में 5th स्टैंडर्ड में मैंने रिपीट किया। तभी इतना नॉलेज नहीं था, घर पे इतना किसी को कुछ आइडिया नहीं था, और अगर क्वालिफिकेशन की मेरे घर पे अगर बात करूं तो पापा का क्वालिफिकेशन 3rd स्टैंडर्ड है और मम्मी का क्वालिफिकेशन है 7th। अरे बाप, ओके तो दैट मींस आफ्टर मतलब आपने अपने घर में काफी ज्यादा चीजें अचीव कर ली है, तो आपके पेरेंट्स भी काफी प्राउड फील करते होंगे। यस सर, तो उसके बाद एक दिन ऐसे ही एग्जाम था और स्पोर्ट्स में मेरे जो आगे बैठा था ही वाज पार्टिसिपेटिंग स्टेट लेवल, तो एज ही वॉज पार्टिसिपेटिंग स्टेट लेवल तो एग्जाम नहीं दिया, तो उस दिन मैंने सोचा अगर मैं भी खेलता तो आज मैं भी एग्जाम नहीं देता था, क्योंकि आता तो था नहीं। तो उस दिन से मैंने एग्जाम खत्म होते वॉलीबॉल सीखना स्टार्ट किया, और वॉलीबॉल उसके बाद वॉलीबॉल सीखा तो थोड़ा बहुत डिसिप्लिन आया मेरे में, और आफ्टर दैट थोड़ा 9th स्टैंडर्ड में आया तभी घर की परिस्थिति समझ में आई, और तभी थोड़ा बहुत पता चला करके लाइफ में अगर कुछ बनना है तो अपने पास एक ही रास्ता है वो है स्टडीज, तो इसलिए मैं तब से थोड़ा बहुत स्टडीज में ध्यान देने लगा, और साथ में साइमल्टेनियसली टाइम शेड्यूल बनाते गया, ये टाइम पे खेलना, ये टाइम पे पढ़ाई करना है, तो इस टाइप से मेरा शेड्यूल बनते रहा। फिर
अब तक भी क्लियर नहीं था कौन से फील्ड में जाना है मुझे। फिर 12th होने के बाद आई वॉज डिसाइडिंग टू डू होटल मैनेजमेंट, तो होटल मैनेजमेंट में इतनी फीस नहीं थी तो इसलिए फिर वो क्विट किया। आफ्टर दैट लास्ट लास्ट में मैंने बीकॉम में एडमिशन लिया वडकुन कॉलेज दहनु में। और वहां पे एडमिशन लेने के बाद जब भी SY में मैं एज ए NSS लीडर कॉलेज का सिलेक्ट हुआ और कैंप था, एट दैट टाइम मुझे थोड़ा NSS कैंप में थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल मेरी डेवलप हुई और तभी पता चला टीचिंग फील्ड एक बेटर है क्योंकि कॉलेज से मैं बहुत एकदम जुड़ा हुआ था कल्चरल एक्टिविटीज में। तो कॉलेज में टाइम अगर आप देखोगे सुबह से दोपहर तक काम करना है, आफ्टर दैट आप शाम को स्पोर्ट्स खेल सकते हो, वैकेशन मिलता है। तो मुझे लगा ये काफी अच्छा प्रोफेशन है जहाँ पे पैकेज भी अच्छा मिलता है टीचर्स को। अगर उस टाइम पे अगर देखे जो जो एडेड कॉलेज में है उनका पैकेज काफी अच्छा है, तो मुझे लगा तो मुझे अट्रैक्ट किया इस फील्ड ने। तो एट दैट टाइम आई डिसाइडेड मुझे टीचिंग फील्ड में जाना है, वो चाहे PT टीचर हो या फिर कोई भी। आफ्टर दैट स्टडीज में फिर अच्छा होते गया तो उसके तब लगा मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना एक अच्छे। बट ये जो जर्नी मेरी रही उसमें कुछ लोगों का काफी योगदान है, पेरेंट्स का तो है ही, मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए बहुत सेक्रीफाइस किया, बट उसमें कुछ मेरे फ्रेंड्स और टीचर्स का भी काफी योगदान है जिन्होंने मुझे टाइम टाइम पे गाइड किया। और इसमें अगर मैं मेरे फ्रेंड्स का अगर नाम लेना चाहूंगा तो सबसे पहले एक टीना बेन का मैं नाम बोलूंगा, उसके बाद कल्पेश लोटिया और नीलेश, ये जो फ्रेंड्स है मेरे उन्होंने मुझे टाइम पे काफी हेल्प किया चाहे फाइनेंशियली हो चाहे गाइडेंस वाइज हो। और अगर टीचर की बात करूँ तो सबसे पहले सर उसमें आपका ही नाम आता है क्योंकि हर एक लाइफ का कुछ भी डिसीजन हो सर मैं आपसे पूछे बिना कुछ भी डिसीजन नहीं लेता हूँ, तो उसमें आपका भी काफी योगदान है क्योंकि मैं आपसे जुड़ा हुआ था अभी भी मुझे याद है TY से मैं आपसे एकदम, तो आपके अंडर अंडर में मैंने सीखा भी और आपके साथ भी काम किया और आपकी जैसी थोड़ी बहुत क्वालिटीज लेने के लिए भी ट्राई की। वी आर ऑब्जर्विंग करके सर कैसे लेक्चर देते थे उस हिसाब से हम लोग कॉपी करने के आपको कॉपी करने के लिए ट्राई करते थे। तो एक आप जैसा एक अच्छा टीचर बन पाओ ऐसी मैं कोशिश अभी भी कर रहा हूँ। और उसके बाद अगर दूसरे अगर टीचर की तो फुलझले सर है जो मेरे PhD गाइड है, उन्होंने भी काफी हेल्प किया। और भी ऐसे बहुत सारे सर्स और मेरे फ्रेंड्स रहे के जिसका एट प्रेजेंट में नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ, तो इनका काफी इन्वॉल्वमेंट था मेरे लाइफ में जिनके हेल्प से और गाइडेंस से मैं यहाँ तक पहुंचा। और आफ्टर BCom तो मैं जैसे मैंने सोचा था मुझे टीचिंग फील्ड में ही जाना है, तो मैंने जूनियर कॉलेज में जॉब करना स्टार्ट कर दिया एट अ मिनिमम वेज ताकि मुझे एक्सपीरियंस मिलता रहे। और जैसे ही MCom पास आउट हुआ तो आपके गाइडेंस से मैंने कॉलेज में रिज्यूम दिया और इंटरव्यू मेरा अच्छा गया और NB मेहता कॉलेज में मेरा सिलेक्शन हुआ। तो वहां पे मैंने नियर अबाउट 5 years काम किए और इसके बाद जो कॉलेज ने भी मुझे काफी कॉपरेट किया। पहले ही साल मैंने जो BEd मेरा वहां से ही फर्स्ट ईयर मेरा जॉब भी था और साथ ही साथ मैंने अपना BEd कंप्लीट किया। तो अंजलि कुलकर्णी मैडम प्रिंसिपल थी, उनका काफी सपोर्ट था, अगर उन्होंने वो परमिशन नहीं देती तो शायद मैं अपना BEd कंप्लीट नहीं कर पाता। तो ऐसे काफी लोगों का हेल्प था, चाहे चमकुरे सर हो जो हमारे एट दैट टाइम HOD थे, उन्होंने भी काफी कॉपरेट किया क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम जॉब था सीनियर कॉलेज में। तो ऐसे काफी लोगों का हेल्प था। और उसके बाद जैसे आपको पता है जैसे आपने बोला आफ्टर कॉलेज SSB की एग्जाम दी और यहाँ पर हूँ एंड फर्दर ट्राइंग टू गिव इंटरव्यू इन सीनियर कॉलेज। वेरी नाइस, काफी इंस्पायरिंग जर्नी है और काफी सारे लोगों के आपने नाम लिए। एग्जैक्टली राइट, बिकॉज हमारे हमारे जो लाइफ में हम यहाँ तक पहुंचे हैं उसमें बहुत लोगों का योगदान है एंड उसके लिए हमें ग्रेटिट्यूड करना चाहिए कि एग्जैक्टली कि ये लोगों ने अगर हमें साथ ना दिया होता तो आज हम यहाँ पे नहीं पहुंचे होते। तो बेसिकली आपने भी काफी अपने फ्रेंड्स में अपने टीचर्स को ग्रेटिट्यूड किया है, तो ये जो भी आपकी जर्नी थी काफी इंस्पायरिंग थी। अब मैं आपसे कुछ एंड नोट लेना चाहूंगा कि एग्जैक्टली अभी आप ये जो यंग जनरेशन है इनको आप क्या गाइड करना चाहेंगे, मतलब क्या बोलना चाहेंगे कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या चीज फॉलो करनी चाहिए। एक दो सेंटेंस में एक एंड नोट आपसे लेना चाहता हूँ। देर इज नो शॉर्टकट फॉर द सक्सेस। आप इतना याद रखो अगर 5 साल अगर आप मेहनत करोगे, लाइफ के 5 साल मेहनत करोगे तो आगे के 50 साल आप आराम से थोड़ा बहुत
जियोगे। बड़े लाइफ के अगर आपने 4-5 साल अगर आपने मेहनत नहीं किया तो लाइफ के 50 ईयर्स आपको गधा मजदूरी करना पड़ेगा कंपनियों में। बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके, काफी इंस्पायरिंग स्टोरी है। एंड ऐसे हम बहुत सारे पॉडकास्ट को कवर करेंगे जो स्टूडेंट्स ने अपने लाइफ में काफी ज्यादा चीजें अचीव की है। एंड एक आपने देखा होगा, इंस्पायरिंग जर्नी तो ठीक है, लेकिन जो लोगों को अपने सिचुएशन को चेंज करना है, वो सिचुएशन जो उनकी पहली है, और वो अगर उनको सिचुएशन को अपनी चेंज करना है तो उनके स्पेसिफिक कुछ गोल्स होते हैं और वो गोल्स के ऊपर वो काम करते हैं, और अगर गोल्स के ऊपर वो स्पेसिफिक तरीके से काम करेंगे तो वो अपने लाइफ में काफी सारी चीजें अचीव कर पाएंगे। काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड इसी तरीके से आप प्रोग्रेस अपने लाइफ में करते रहे और काफी अच्छे एग्जाम्स को क्लियर करें। एंड जैसे आपका अभी आपने नेक्स्ट गोल बताया कि आप सीनियर कॉलेज में जल्द से जल्द जॉब करेंगे, तो आई होप कि आप जल्द से जल्द सीनियर कॉलेज में जॉब करने के लिए रिक्रूट हो जाएंगे। एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग करियर, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग फॉर टुडेज पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच प्रीतम सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर।